रामराज के अमर शहीद राजा शंकर शाह कुमार रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है। आज मैं जबलपुर में था और उसमें महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विधायक सांसदगण और पूरा समाज, आज से 32 वर्ष पहले इनका इतिहास को आदिवासी महासंघ ने खोजा था और गली नंबर 10 सदर में और महज 20 लोगों के साथ मिलकर के मनाया गया। तब से लेकर के हम लोग हमारा जो है यहाँ से जाने के बाद नाट्य आंदोलन के माध्यम से शुरुआत किया था, मानस भवन में नाटक हमने किया था और उसमें जो पत्रिका थी बयामे आजाद पत्रिका वो दिल्ली से प्रकाशित होती थी, उसमें लिखा था हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाके वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, आज शहीदों ने तुम्हें अहले वतन पुकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख भाई है प्यारा हमारा, ये है आज़ादी का झंडा ये सलाम। इस तरह यह जो क्रांति जो है पूरा हरी मिर्च कमल रोटी और क्रांति का संदेश देकर के राजा शंकर शाह अलग अलग गाँव पर पहुँचाते थे और उस पर क्रांति की ज्वाला धधक होती थी। और 14 सितंबर 1857 जो हमारे गोंडवाने कुलदेवी माला देवी वहाँ पर क्या कहते हैं उनको गिरफ्तार किया गया था और 4 दिन उनको जबलपुर के जेल पर रखा और 18 सितंबर 1857 को दोनों क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण उनको तोप के मुँह से उड़ा दिया गया था। महज एक था, इसमें विषय बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं क्योंकि मैंने फिल्म बनाया बलिदान, तो एक संधि का प्रस्ताव था, मेजर आस्किन ने उनके सामने संधि का प्रस्ताव रखा था। वह संधि का प्रस्ताव यह था कि जनता से टैक्स अंग्रेज शासन वसूलेगी और उसके बदले अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट एक मोटी रकम देगी और राजा साहब ने इस संधि को नकार दिया। उसी बात को लेकर के लगातार उनके बीच में जो द्वंद्व चलता रहता था और यह द्वंद्व जो है बहुत लंबे समय पर चला। आखिरी जो कविता थी उसमें लिखा था मूल लोग दंडिन को जुगलों को चवाई खाई, खूंद डार दुष्टन को शत्रु सहारी का, मार अंग्रेज रेज कर दे मात चंडी, बचे नहीं बैरी बाल बच्चे सहारी का, यह था। और फिर जब 18 सितंबर मध्याह्न 11 बजे उनको तो अंग्रेजों ने तोप के ऊपर बांधने का ऐलान किया था, लेकिन जो असल बात यह है कि जो अंग्रेजी तोप है उनकी विफल हो चुकी, तो जो करिंदा गिरधारी दास था उन्होंने बताया कि इनकी जो कलिकम कालीदाई मदन महल सुरक्षा चौकी है वो तोप को लेकर के आएंगे जब इनका प्राण जाएगा, क्योंकि हमारे जो गोंडवाना साम्राज्य 1750 वर्ष तक हमारा साम्राज्य रहा और